आबादी पर आर पार वाली सियासत की। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट साझा की है, जिसके मुताबिक भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में पिछले 65 सालों में कमी आई है। साल 1950 से 2015 तक देश में हिंदुओं की आबादी में तकरीबन 7.82% यानी कि लगभग 8% की कटौती हुई है। वहीं इसी दौरान मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई। इस रिपोर्ट में भारत के बाहर भी हिंदू आबादी के बारे में डेटा जारी किया गया है। क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। हर में भागवती उमति कलापम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। भारत में घट गए 8% हिंदू। पैंसठ साल में बढ़े 43% मुस्लिम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आबादी पर आंकड़े होश उड़ा देंगे। अमित मालवीय ने साझा की ईएसी पीएम की रिपोर्ट। चुनावी समर से गुजर रहे देश में वैसे ही सियासी पारा हाई है और अब आबादी पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की नई रिपोर्ट ने सियासत को नई हवा दे दी है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की जनसंख्या को लेकर आई रिपोर्ट ने राजनीतिक तौर पर भूचाल ला दिया है। अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट में 1950 से लेकर 2015 के बीच में किस तरह से भारत के अंदर हिंदू मुसलमान और अन्य धर्मों की जनसंख्या बढ़ी है उसका जिक्र किया गया है। अगर बात करें 1950 से लेकर 2015 के बीच की तो हिंदुओं की आबादी तकरीबन 5.5% कम हुई है। वैसे तो भारत में हिंदुओं की आबादी सबसे अधिक है, लेकिन आंकड़े भविष्य के खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आंकड़ों पर नजर डालें तो हिंदुओं की आबादी में तेजी से कमी आ रही है। हिंदुओं की आबादी इन सालों में 7.82% कम हुई, जबकि 1950 से 2015 के बीच अल्पसंख्यकों जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध की आबादी बढ़ी है। ईएसी पीएम की इस रिपोर्ट को अमित मालवीय ने ट्वीट किया है। अमित मालवीय की तरफ से शेयर की गई रिपोर्ट के मुताबिक 1950 में हिंदुओं की आबादी 84% थी, 2015 तक ये घटकर 78% हो गई है। इसी अवधि में मुसलमानों की हिस्सेदारी 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई है। म्यांमार के बाद भारत अपने पड़ोसी देशों में दूसरे नंबर पर है, जबकि बहुसंख्यक आबादी में कमी आई है। म्यांमार में 10% और भारत में 7.8% बहुसंख्यक आबादी घटी है। भारत के अलावा नेपाल में बहुसंख्यक समुदाय यानी कि हिंदू की आबादी में 3.6% की गिरावट देखी गई। हालांकि इस रिपोर्ट को किसी सरकार ने नहीं बल्कि बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्विटर पर साझा किया है। जहां एक तरफ विपक्ष के तमाम नेता इस रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव के बीचों बीच में बीजेपी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देश में ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी जो है वो विपक्ष के नेताओं के ऊपर लगातार हमलावर है। और बीजेपी का कहना यह है कि जिस तरह से कहीं ना कहीं कर्नाटक में SC ST OBC के आरक्षण में को काट कर मुसलमानों को कर्नाटक सरकार ने आरक्षण दे दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि जब मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ती जाए तो ये देश भर में कहीं ना कहीं SC OBC के आरक्षण को काटने की कहीं कांग्रेस की साजिश तो या तैयारी तो नहीं है। आबादी पर नए आंकड़े आने पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि ये सनातन को खत्म करने की साजिश है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को देश में जगह दी। इन्होंने एक तरह से चारागाह बना दिया भारत को, बिहार को, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी
मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी, आप देखें 0 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु मुसलमान में कितने परसेंट है, हिंदू में कितने परसेंट है आने वाले दिन में। और दूसरा देखें हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है, उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टिकरण रोल रहा है। आपका धर्म ये होना चाहिए कि चुनाव के समय आप उन मुद्दों की बात करें जिनसे जनता जनता के जीवन का जीवन जिनसे जुड़ा है। आप हम खां ये सारे मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आप उठाएं, ठीक है? ये मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है। स्टडी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया, चीन, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे देशों और कुछ पूर्वी अफ्रीकी देशों की जनसंख्या में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में भारत की तुलना से ज्यादा गिरावट देखी गई है। 167 देशों में बहुसंख्यक समुदाय की हिस्सेदारी 1950-2015 से औसतन 22% कम हो गई है। इसके अतिरिक्त 35 उच्च आय वाले आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के देशों में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में 29% की औसत गिरावट देखी गई, जो वैश्विक औसत 22% से अधिक है। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट ऐसे वक्त पर आई है जब देश चुनाव में है। हिंदू मुस्लिम के आंकड़ों को बताती इस रिपोर्ट से सियासी पारा हाई होना तय है। कोई बड़ी बात नहीं जब आबादी के बढ़ने घटने को मुद्दा बनाकर सियासी दल लोगों से वोट मांगते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पैंसठ साल आबादी का क्या हाल है, इसे आपको एक ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं और बताते हैं किस समुदाय की आबादी कितनी बढ़ी या घटी है। जो डेटा हम आपको इस वक्त दिखाने जा रहे हैं वो 1950 से 2015 के बीच का है, जिसके मुताबिक हिंदू 7.82% घटे हैं, मुस्लिम 43.15% बढ़े हैं, वहीं ईसाई 5.38% बढ़े हैं, तो सिख भी 6.58% बढ़े हैं। यानी भारत के बहुसंख्यक यानी कि हिंदुओं की आबादी तेजी से कम हुई है। इस जानकारी के सामने आने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे नेताओं ने क्या क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। यह देखा दिखाया तथ्य है, 10 साल से अधिक 2011 की जनसंख्या देखिए तो हिंदुओं की आबादी 79.8% और मुसलमानों की 14.5% से अधिक है। 1951 की देखिए तो मुसलमानों की आबादी 9.5% और हिंदुओं की 88% थी। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, खास बात यह है कि जिस रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ रही है और कांग्रेस पूरी तरीके से कटिबद्ध है कि मुस्लिमों को जनसंख्या के आधार के ऊपर आरक्षण देंगे, तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या में किसका आरक्षण भविष्य में काटते रहेंगे, SC ST OBC का। और उससे भी बड़ी बात यह है क्योंकि किसी भी कम्युनिटी की संख्या कैसे बढ़ती है, नेचुरल वे में बढ़ती है जनसंख्या के द्वारा, मगर मुस्लिम जनसंख्या 3 तरीके से बढ़ेगी। जनसंख्या के द्वारा उसमें संभावना अधिक है क्योंकि वहां बहुविवाह की संवैधानिक और कानूनी मान्यता है। अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी, जनसंख्या नियंत्रण की कोई नीति नहीं लाए। एक तरफ तेजी से बढ़ती रही, दूसरी तरफ हिंदुओं की संख्या घटती रही। देश में अब सामान्य नागरिक संहिता की जरूरत है, सब एक ही शादी करें और एक निर्धारित संख्या बच्चे कितने पैदा करना वो सामान्य नागरिक संहिता के बाद आएगा। ये आबादी का इतना असंतुलन चिंताजनक है। देखिए रिपोर्ट में कुछ आंकड़े हैं जो बेहद पेचीदा हैं, फिर भी इसे सरल भाषा में रिपोर्ट के सारांश को आपके सामने रखने की कोशिश, यानी रिपोर्ट की जो प्रमुख बातें हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिंदुओं की आबादी 65 साल में 8 से 10% तक घटी है। 167 देशों में सबसे अधिक भारत में बहुसंख्यक यानी कि हिंदू की घटे हैं, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी देखी गई है। ईसाई आबादी की हिस्सेदारी भी 2.24% से बढ़कर
2.36% पहुंच गई है, जबकि सिख समुदाय की आबादी 1.24% से बढ़कर 1.85% हो गई है। तो इस तरह से हिंदुओं की आबादी में कमी देखने को मिल रही है, जबकि अल्पसंख्यक उनकी आबादी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है मुस्लिम आबादी से जुड़ा हुआ। अमित मालवीय की ओर से साझा की गई इस रिपोर्ट की माने तो भारत में 43.15% मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, बांग्लादेश में 18.5% मुस्लिम बहुसंख्यक बढ़े हैं, जबकि पाकिस्तान में 3.75% मुस्लिम बहुसंख्यक बढ़े हैं। जबकि अफगानिस्तान की बात की जाए तो यहां 0.29% मुस्लिम आबादी बढ़ी है।